जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरी। सो स्वीट, जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। अजय होटल बिल्डिंग, लल्लावीर मेन रोड, वाराणसी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर महिला के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। इस बार एक ग्राम प्रधान को क्षेत्र के दबंगों ने पंचायत भवन में घुसकर उस वक्त धमकाया जब वह ग्रामीणों से गौशाला को लेकर मीटिंग कर रही थी। इस संबंध में ग्राम प्रधान ने मुख्य विकास अधिकारी से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इस संबंध में दिलना की महिला ग्राम प्रधान कुसुम ने बताया कि वो अपने गांव में गौशाला बनवा रही हैं, लेकिन कुछ भूमाफिया और हिस्ट्रीशीटर अड़ंगाड़ा डाल रहे हैं और बनवाने नहीं दे रहे। यहाँ तक कि मजदूरों को डरा धमका कर भगा दिया जा रहा है। इस सूचना पर जब हम पंचायत भवन पहुँचे, मजदूरों को समझाने का प्रयास किया तो वो लोग पंचायत भवन में घुस आए और मुझसे अभद्रता की, यहाँ तक कि जान से मारने तक की धमकी दी। ग्राम प्रधान कुसुम ने इस संबंध में CDO मधुसूदन हुलगी से मिलकर शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही रोहनिया थाने में भी इस संबंध में शिकायत की है। क्या समस्या थी, CDO साहब से क्यों मिलना हुआ आप लोगों का? ऐसा है कि हम गए वहाँ, गौशाला नहीं लोग बनने देते हैं, तो हम वहाँ पर गए बात करने, मीटिंग है तो गए। तब से हम वहाँ पर बैठे, तब से जो है कि दो चार दस लोग जो है कि कूद कर मारपीट करने लगे, मारपीट के कुर्सी मुर्सी तोड़ने लगे। कोई बात नहीं हुआ वहाँ पर, हम गम्मा हो गया एकदम से। हम तो रोने लगे, हमको भी ढकेल दिए, कुर्सी तोड़ दिए, हमको कुछ पता ही नहीं है। क्यों क्यों तोड़ रहे थे, क्यों विरोध कर रहे? गौशाला नहीं बनेगा, लेबरों लोग को जो कि डांटते हैं, डपटते हैं और हड़काते हैं लेबर लोग को भी, लेबर काम नहीं करते हैं। उसीलिए हम समझाने गए वहाँ पर कि काम करो, हम पैसा देंगे आप लोग को जी। और तब से वहाँ मारपीट होने लगे। कौन था ये लोग? वो विरोधी है हमारा, गांव के ही। हाँ, गांव के हैं। स्कॉलर्स वैली, अ होम ऑफ एजुकेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 8, कॉल 9235442970, नियर उकार हॉस्पिटल, सुंदरपुर, वाराणसी। एजुकेशन पार्टनर विद टाटा क्लास 8। आज यहाँ क्यों? हम लोग यही गोवंश आश्रम के मामले पे आए थे। उसमें गोवंश आश्रम बनाने के लिए सरकार की पहल हुई है, उसमें गाँव का चयन हुआ है की आपको बनाना है, तो अब जमीन नाप दी गई, आपके पड़ोस में नापी गई और आप विरोध कर रहे हैं उसका, नहीं बनाने देंगे हम। आज की घटना क्या घटी है और सामने? आज नहीं, दो तीन दिन पहले की घटना है। हमारे दिलना की प्रधान महोदया हैं, उनके साथ वहाँ की जनता अभद्रता करने लगी। माफिया टाइप के लोग हैं, उनका कहना है कि हम नहीं बनाने देंगे इस ज़मीन पे गोवंश आश्रम। क्यों, वो तो आप बता रहे हैं बंजर ज़मीन है। हाँ, तो बंजर ज़मीन तो ये है, हाँ नहीं बनाने देंगे। आप पड़ोस में रहते हैं तो आप मार करने पर आमादा हैं, हम नहीं बनाने देंगे। कुल कई गांव के आज प्रधान आप लोग आए हैं यहाँ? यहाँ करीब 20 गांव के हैं। 20 गांव में यही प्रॉब्लम आ रही है? सब जगह करीब करीब यही प्रॉब्लम है। जहाँ थोड़ा कमजोर हैं लोग वहाँ दब जा रहे हैं, जहाँ तगड़े हैं मार करने पे आमादा हैं। तो इसकी सूचना पुलिस को दी थी? आप पुलिस को सूचना तो दी गई थी, पुलिस आई भी थी, FIR हुआ है। आज CDO साहब से क्या कार्रवाई की मांग? CDO साहब ने कहा कि भाई आप काम करिए, हम आपके साथ आएंगे, मौके पे भी आएंगे, देखेंगे कि कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। डेलना गांव के प्रधान आए थे, वहां पे हम गौशाला खुल रहा है और वहां पे प्रधान जी सहयोग से बन रहे वर्कर सब लगा के गौशाला खुल रहा है। कुछ नॉनसेंस एलिमेंट्स हैं जो वहां पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, गौशाला खुलने नहीं दे रहे, तो इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है और जो आवश्यक कार्रवाई होनी है वो भी हो जाएगा। यही उन्होंने क्लेम करने के लिए आए थे कि कार्रवाई हो जाए। सर, इस तरीके से दबंगों का प्रधान पर हमला करना, ये क्या उचित है? जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का चलाया गया है कि गौशाला खुले, सबकी जो बछड़े खेती नुकसान हो रहे हैं, इसी पे क्या आगे? देखिए, किसी पे भी हमला करना जस्टिफाइड नहीं है, वो गलत बात है। अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्रशासन को बता सकते हैं, उसको सुलझाने की हम पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमला करना तो बिल्कुल सही नहीं, वो गलत बात ही है। और वहाँ पे जो गौशाला खुलना ही है तो खुलेगा ही,